आपको स्वागत है टेक्नो अमान में। हो गई इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट एयरफोन्स अंडर 1000 रुपीज। मतलब बेस्ट एयरफोन है यार ये, जो मुझे, मैंने इसको एक महीना चला चुका है, ये मेरे पास दूसरा रिव्यू यूनिट आ चुका है भाई। यहाँ पे पहला जो था वो मैंने किसी को दे दिया, मतलब मेरे सर को दे दिया। देन अभी जो सेकंड यूनिट मेरे पास आ चुका है, ये बहुत ही बढ़िया, मतलब एक मैंने कम से कम 10-15 दिन वो चलाया था, फिर अभी इसको भी 10 दिन चला लिए, मैंने एक महीना इसको पूरा चला चुका हूँ और इतने दिन से यहाँ पे ऐसे आपको बॉक्स भी इसका दिख ही रहा था। तो यार इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ इसका, और बहुत ही बढ़िया 1000 रुपये में वंडर बेस्ट एयरफोन मुझे लगा है और मैं अभी भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास मीवी कॉलर भी आ गया है वापस 3000 रुपये वाला, मगर मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है। तो वीडियो पूरा देखना, जल्दी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लेना सब्सक्राइब। इस वीडियो में यही बात करेंगे कैसा है क्या इसके बारे में, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। इसके बारे में अगर इस बात करते हैं और निकाल लेते हैं इसको इसके पैकेट से और बताते हैं इसके बारे में आपको। मैं इसको निकाल रहा हूँ, रीपैकेज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको पूरा 10 दिन चलाया है, मैंने देखा है और फिर आपको बता रहा हूँ वापस। तो यहाँ पे इसका जो वारंटी कार्ड देखने मिल जाता है, तो भाई यहाँ पे आप जाना ज़रूर और इसको जो है वारंटी का जो है भाई कर लेना, 1 साल की वारंटी मिलती है आपको, तो ये ज़रूर आप लोग जो है कर लीजिएगा वारंटी। एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ इसके यूज़र मेन्यू मिल जाता है, आप पढ़ना चाहें तो भाई पढ़ सकते हैं, हम तो वैसे नहीं पढ़ते हैं सब, बट यू वांट तो यू कैन। और यहाँ पे आप इसे हम खोल लेते हैं भाई, यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो आ चुकी है हमारे पास, फोकस, वेरी गुड। और यहाँ पे इसको निकाल लिया जाए, लुक बहुत ही प्यारा लगता है मुझे इसका, अंडर 1000 रुपीज़ हमें बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। तो यहाँ पे कुछ हमें ऐसा लुक देखने मिल जा रहा है आपको। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ, देखेंगे तो इसका डिज़ाइन हो बहुत प्यारा लग रहा है। अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ और आपको पैकेज में क्या मिल जाता है, पैकेजिंग इसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट अब यार 1000 रुपये में हमें क्या मिलेगा। एयर एक्स्ट्रा एयरबड आपको देखने मिलते हैं, तो एक्स्ट्रा एयरबड यार अच्छे से रख रहा हूँ क्योंकि जो मैंने पहले यूज़ किया था ना, तो इसका एयरबड बहुत जल्दी निकल जाता है, तो प्लीज़ अपने एक्स्ट्रा एयरबड अच्छे से रखना। एंड अब यहाँ पर बात कर लेते भाई इसके बारे में, इसके कुछ डिज़ाइन और उसके कुछ बारे में। तो यहाँ पर डिज़ाइन देखेंगे तो हमें बहुत सिंपल सा ब्लैक कलर में मिल जाता है, एंड कुछ भी मतलब ऐसा आपको एकदम ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं है, मतलब बहुत, मतलब आप बोल सकते हो अंडर 1000 रुपीज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन हमें यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे बात करता हूँ मैं इसके कुछ मतलब इसके, तो गाइस अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को अपने माइक के पास इसको लेके जाता हूँ, अभी एक यहाँ पे सुना रहा हूँ और फिर हम एक साथ उसको सुनाएंगे। यहाँ पे अभी आपको एकदम फुल वॉल्यूम में मिल रहा है और अब मैं दोनों को साथ में ले जाता हूँ। तो थोड़ी आवाज़ बाहर आ रही है आप जब फुल वॉल्यूम पर जाते हैं, तो अब मैं एक को अलग करता हूँ तो आपको कुछ ऐसे सुनाई देता है। तो दोनों में बहुत अच्छा लग रहा है वैसे, आवाज़ बहुत ही अच्छी क्वालिटी है यार इसकी। और आपको एक और दूसरा गाना सुना देता हूँ, ये दूसरा आप सुन सकते हैं, अभी ये एक के साथ है और ये दो, बहुत ही अच्छी ऑडियो क्वालिटी है गाइज यहाँ पे इसकी, ये फुल है गाइज एकदम। चलिए जैसे अभी हम बात कर लेते हैं कुछ एयरफोन्स के बारे में, मतलब क्या इसकी बैटरी परफॉर्मेंस है, कैसी परफॉर्मेंस रही है और कैसा मतलब इससे काम किया मेरे साथ। तो गाइस देखो ये जो एयरफोन है मुझे वन ऑफ द बेस्ट एयरफोन 1000 रुपीज़ लगता है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस यहाँ पर आप आइए और इसको जो है ये वाला आप देखेंगे बीच वाला बटन, फोकस कर ले तो ठीक है वैसे तो, बट यहाँ पर आपको बीच वाला बटन दबाइएगा एंड यहाँ पर बत्ती चालू, ये देखेंगे तो ये ऐसा कुछ बत्ती चालू हो जाती है, तो आपका ये चालू हो गया। अब आप अपने मोबाइल में कनेक्ट कर लो, बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेता है ये, मैं आपको एक करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको जाना है अपने ब्लूटूथ में और यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लेना है, रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी लाइट आप देख सकते हैं, जैसी लाइट इसकी अपनी एक में चली जाएगी तो वो दिखा देगा मतलब कनेक्टेड है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे गए और ये देखेंगे कनेक्टेड, मतलब जैसे ही मैंने चालू किया वैसे ही कनेक्टेड हो गया, मतलब बहुत ही तेज़ इसका कनेक्शन सिस्टम है, तो मुझे बहुत बात अच्छी लगती है। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो इसका मतलब एलोंग ने जैसा इसका वो बनाया डिज़ाइन आप बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसको ऐसे कुछ लगाना है आपको
ऐसे ही लगा के भी आप इसे कम चलेगा, मगर यहाँ पे आप ऐसे भी कर लेंगे तो आपका और एक्स्ट्रा वो हो जाएगा, मतलब कि फिर ये निकलने नहीं वाला है, मतलब फिर आप जॉगिंग करो देखेंगे आप, तो आप देखेंगे तो आपको कुछ भी, मतलब मेरे पूरे बाल खराब हो गए, मगर ये इधर से उधर नहीं होगा। तो आप वॉकिंग जॉगिंग करने वाले बंदे हो तो डेफिनेटली आपके लिए बना हुआ है, और ऐसे पीछे कर लोगे ना तो ये और अच्छा लुक देगा, देखेंगे आप थोड़ा तो बहुत अच्छा लुक यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और इसकी जो थोड़ा नॉइस कैंसिलेशन है वो भी बहुत अच्छी है, मतलब इस प्राइस में आपको इतना भी नहीं मिलता, मगर आप इसको एक बार कान में लगा लेते हो तो आपको ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं देगा, बाहर में जो आप काम कर रहे हो वही आपको सुनाई देगा, तो मुझे ये बात भी इसकी बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे इसको मैं निकाल रहा हूँ तो अब एकदम तेज़ आवाज़ मेरे कान में पहुँच रही है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है यार, 1000 रुपये के आपसे आपको बाय करना है, आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको ज़रूर अमेजोन से बाय कर सकते हैं, कभी कभी सेल पे 900 रुपये का भी पड़ जाता है। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ ये भी आपको यहाँ पर देखने मिलता है, ये वारंटी कार्ड बहुत सारे लोग ना इसको हल्के में लेते हैं, बड़े यार हल्के मत लिया करो, उसको भी जाके वारंटी कार्ड इसकी लीफ स्टूडियो के इनमें जाके इसको ज़रूर से रजिस्टर कर लेना, ईमेल आएगा, क्योंकि फिर आप अपना वारंटी क्लेम नहीं कर सकते, तो आप जाके बाय कर सकते हैं। वो डब्बा मैंने ये रख दिया, दो दो डब्बे मेरे पास, तो वैसे तो ये वाला मेरे सबसे पुराना वाला है, ये नया वाला है, तो नया वाला जो है वो अपने सेटअप का हिस्सा बन चुका है, तो मैं बोला वहीं रहने दो, उसका अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो भाई बस इस फोटो में बस इतना ही, मेरे को एक इन डेप्थ रिव्यू आपको बताना था, और मैं लास्ट ऑफ ऑल इसकी बैटरी की मैंने बात करता हूँ, तो यार इसको आधा एक घंटा इसमें चार्ज लगता है बस, हाँ गाइस आधा पौन घंटा में चार्ज हो जाता है एंड चलता है 4-5 घंटा, तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे देता है। कभी कभी जल्दी भी डाउन हो जाता है, खोलो तो ऐसा आता है फिर बैटरी डाउन, फिर उसके बाद 2 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाता है, और खुलता है तो अलग ही से आवाज़ आती है, पहले में तो कुछ आती ही नहीं थी मगर इसमें आती है, तो लगता है नया नया वो एक नया बोल सकते हैं एडिशन लॉन्च किया है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या लीफ स्पोर्ट 2 की अनबॉक्सिंग चाहिए कि नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा यहाँ पे लीफ स्पोर्ट मतलब लीफ से बात करूँगा। और ब्लॉगर ब्रिज आपको जैसे नहीं पता होगा, इंस्टाग्राम में एक बहुत ही अच्छी रिव्यू यूनिट जो भेजती है, ब्लॉगर ब्रिज से भी बात करूँगा, शायद वो मुझे दे दे, तो मैं लीफ स्पोर्ट्स 2 की भी यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग रिव्यू लेके आ जाऊँ। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को लेना सब्सक्राइब। तो बताओ कमेंट करके कि आप लोग भी क्या इसको खरीदने वाले हो कि नहीं, और रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आफ्टर 30 डेज वीडियो बना रहा हूँ उसके, तो मतलब 30 दिन मैंने दोनों को चला दिया, तो बस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया है। मैं ऐसे आप लोगों के डेली वीडियोज लाते रहूँगा, तो मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।